बात की जाए अगर ड्रामा सीरियल जट परतों के बन की तो इनके सेकंड एपिसोड में इस ड्रामे को काफी आगे बढ़ा दिया गया है। आई मीन टू से दैट पहली और सेकंड एपिसोड ड्रामे ने अपने आप की बेस बना ली है कि इस ड्रामे में क्या क्या इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने को मिलेंगी और क्या क्या हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खासकर इस ड्रामे का जो मेन पॉइंट है वो वुमेन्स एजुकेशन के बारे में है, जिसकी वाकई में गाँव देहात वगैरह में बहुत कमी है। औरतों के ना पढ़ने की वजह से, घर में रहने की वजह से वो जो जाहिल रहकर बच्चों की लाइनें लगा देती हैं और अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करती, और उनके हस्बैंड्स भी उन्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन ही समझते हैं। सज्जल अली ने वो डायलॉग भी बहुत खूब कहा, एक पढ़ी लिखी औरत एक अच्छी नस्ल तैयार करती है, और वाकई इस बात में कोई झूठ नहीं। और दूसरा एंगल हमें हॉस्पिटल्स में होने वाली गैर जरूरी पॉलिटिक्स को दिखाया जा रहा है कि वहाँ किस तरह पेशेंट्स के साथ गलत कर डॉक्टर सुकून से बैठे हैं, और उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी करने के लिए खड़ा हो तो उसका करियर बर्बाद कर देते हैं, और यही होने वाला है डॉक्टर। वेल, हैट्स ऑफ टू मेकर्स के जिन्होंने इस ड्रामे को बनाया और इस तरह के इश्यूज जो पाकिस्तान में मौजूद हैं इन इश्यूज को सामने लेकर आए। एक इशू उन्होंने गाँव का दिखाया औरतों की पढ़ाई को लेकर, और दूसरा इशू उन्होंने शहर का दिखाया हॉस्पिटल्स की पॉलिटिक्स को लेकर। और इन दोनों इश्यूज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए किस किस तरह के सीन्स, किस किस तरह की स्टोरीज हमारे मुल्क में हो रही हैं वो सब कुछ दिखाते हुए एक न्यू लव स्टोरी क्रिएट करेंगे सज्जल अली एंड डॉक्टर साहब की। वेल, कुछ स्टोरी आगे की इस तरह की दिखती है, डॉक्टर वहाँ पर अपने हॉस्पिटल के मसलों की वजह से गाँव पर आता है, गाँव में काम करने के लिए उसे भेज दिया जाता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाना चाहता है, पर सज्जल अली उसे रोकती है और उसे बताती है कि यहाँ पर कितने मसाइल हैं, और इस तरह से वो आगे साथ काम करते हैं। सज्जल अली को भी डॉक्टर बनने का शौक है तो वो भी वहाँ पर ही प्रैक्टिस करती है उसके साथ, और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करती है, और इस तरह साथ रहकर उनकी लव स्टोरी भी आगे बढ़ती है, और साथ साथ वो इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी ठीक करेंगे और कुछ बेहतरी लेकर आएंगे, और एट लास्ट से कुछ अच्छा मैसेज ही देकर जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम भी देखेंगे नेक्स्ट आगे क्या होता है, और नेक्स्ट एपिसोड का प्रीव्यू भी करेंगे। तो अगर आपको हमारा प्रीव्यू पसंद आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों का बन देखने के लिए देखते रहिए ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट, और हमारे रिव्यूज़ एपिसोड से पहले देखने के लिए देखते रहिए मिस फन फिन।